उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सबसे बड़े इस राज्य में कानून व्यवस्था की मजबूती के दावे करके सुरक्षा देने में फेल पुलिस व्यवस्था की नाकामी देश दुनिया के सामने आ गई। लखनऊ में शाम कोर्ट रूम के भीतर मुख्तार अंसारी के पुराने करीबी माफिया संजीव माहेश्वरी उप जीवा की हत्या कर दी गई। यह हमलावर वकील के रूप में आया था और इस हत्याकांड को लखनऊ पुलिस सिर्फ देखती रह गई। इस हत्याकांड की तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। कोर्ट परिसर में हथियार लेकर हमलावर आए, पहले एक गोली मारी, फिर कोर्ट रूम में भागे, फिर कोर्ट रूम में ही गेट पर मारी गोली। इस तरह संजीव जीवा को तकरीबन कुल 6 गोलियां मारी गई। इस हत्याकांड को देखकर यह साफ कहा जा सकता है कि संजीव जीवा की हत्या सिर्फ एक माफिया की हत्या नहीं बल्कि कोर्ट में घुसकर उत्तर प्रदेश में पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर के सारे दावों को छलनी किया गया है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास से सिर्फ 7 किलोमीटर दूर, डीजीपी ऑफिस से 10 किलोमीटर दूर, कार्यवाहक सीपी पीयूष मोडिया के दफ्तर से 5.5 किलोमीटर दूर, ज्वाइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर उपेंद्र अग्रवाल के दफ्तर से बमुश्किल 10 मिनट की दूरी पर ही कोर्ट रूम के भीतर तक दौड़ाकर गोलियां मारी गई। गौरतलब है कि संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा 90 के दशक तक मुजफ्फरनगर में एक क्लिनिक पर कंपाउंडर का काम करता था। कंपाउंडर के नाम पर वो वहां सिर्फ दवा की पुड़िया बनाता था। फिर बताते हैं कि संजीव जीवा ने क्लिनिक के मालिक को ही अगवा कर लिया था। संजीव जीवा का पहली बार बड़ा नाम आया जब इसने 90 के दशक में ही कोलकाता के व्यापारी के बेटे को अगवा करके 2 करोड़ की फिरौती मांगी। फिर 1997 में संजीव जीवा बीजेपी के बड़े नेता और मायावती को गेस्ट हाउस कांड में बचाने वाले ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या में शामिल रहा। 2003 में ब्रह्मदत्त द्विवेदी हत्याकांड में संजीव जीवा को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। उससे पहले साल 2002 में माफिया मुन्ना बजरंगी के जरिए संजीव जीवा मुख्तार अंसारी का भी करीबी बन गया। इसके अलावा 2005 में बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या में मुख्तार के साथ जीवा भी शामिल था, लेकिन इस मुकदमे में ये दोनों बरी हो गए थे। इस हत्याकांड के अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जांच के लिए 3 सदस्यों की SIT बना दी है। 7 दिन में इस टीम को न सिर्फ ये बताना होगा कि कैसे जिस कानून व्यवस्था की तारीफ सरकार सबके सामने करती है उसको चुनौती दी गई, बल्कि ये भी बताना होगा कि 7 दिन में बड़े बड़े अफसर जो अपनी वाहवाही का ढिढोरा पिटवाते हैं, हकीकत में उनके जिम्मे न जनता सुरक्षित है और न ही वकील और न ही कानून व्यवस्था। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के पुलिस महकमे में हड़कंप मचाने वाले इस शूटर का नाम विजय यादव है। इसी 19 साल के शूटर ने कोर्ट रूम में घुसकर संजीव जीवा की हत्या कर दी। यह विजय यादव जब संजीव को मारने आया तो ये वकील के भेष में था। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मुख्तार के साथी माफिया जीवा को मारने का प्लान हो सकता है? क्या जानबूझकर जीवा को कोर्ट में पेश करने के दौरान सुरक्षा में चूक रखी गई? क्या माफिया के कोर्ट में कथ से पहले जानबूझकर उसे बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहना कर लाया गया? इससे पहले संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा को पेशी के लिए लाया जाता था तो उसे बुलेट प्रूफ जैकेट भी पहनाई जाती थी। प्रदेश की पुलिस व्यवस्था पर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि पुलिस की सुरक्षा में इस तरह का हत्याकांड पहला मामला नहीं है। इससे कुछ दिन पहले भी प्रयागराज में वकील उमेश पाल को पुलिस की सुरक्षा में ही मार दिया गया। इसके बाद अतीक अशरफ पुलिस के सामने मारे गए, अब संजीव जीवा पुलिस के सामने मारा गया। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है। इस हत्याकांड पर लोगों की मिली जुली राय है। कुछ का कहना है कि ये मारा जाने वाला माफिया संजीव माहेश्वरी और जीवा है। मारा जाने वाला संजीव जीवा कोई आम आदमी नहीं, ये तो माफिया मुख्तार अंसारी का करीबी था। माफिया संजीव जीवा ने 2 बीजेपी विधायकों की हत्या की थी, जबकि न्याय तो वो होना चाहिए कि माफिया को सजा कानून दे। आजीवन कारावास की सजा काटते संजीव माहेश्वरी उर्फ संजीव को एक शूटर ने ही सैकड़ों वकीलों, न जाने कितने पुलिस वालों के सामने ही कोर्ट के भीतर गोली मार दी। एक मुकदमे में आए थे, कोर्ट के साथ में लेके आई थी। 3:30 बजे के बाद लगभग पेशी का इंतजार कर रहे थे चैम्बर के बाद, तो जब वो पेशी के लिए अंदर जा रहे थे उसी समय पीछे से हमला किया गया और इसमें हमारे जो है 2 सिपाही इंजर्ड हुए हैं। फिलहाल तो वो आउट ऑफ डेंजर है, सेफ है। एक महिला, एक बच्ची और उसके पिता, ये 3 भी आए थे। उसमें महिला की उंगली में थोड़ी चोट आई है, बच्ची को जरूर चोट लगी है जिसका इलाज चल रहा है। और संजीव जीवा जो है उसको तत्काल पुलिस वालों द्वारा हॉस्पिटल भेजा गया था जहाँ डॉक्टर्स ने भी उसे डेथ डिक्लेयर कर दी है उसकी। इसके अलावा जो हमलावर है उसे भी पकड़ा गया है
उसे भी हॉस्पिटल भेजा गया, उसका भी इलाज चल रहा है। जैसे ही पूछताछ में जो आगे बात पता चलेगी आपको अपडेट दिया जाएगा। तो पहले संजीव को कितनी गोलियां लगी थी? वो अपडेट दिया जाएगा जब भी पोस्टमार्टम आदि और सारी जानकारी मिलेगी उसके बाद। उपेंद्र जी, जस्ट वन क्वेश्चन इन इंग्लिश, वेदर वाज देयर वन अटैकर, वेदर मल्टीपल अटैकर्स, एंड वाज ही ड्रेस्ड एज अ लॉयर? टिल नाउ द टीम हैज इन्फॉर्मड देयर वाज ओनली वन, बट वी आर स्टिल इन्वेस्टिगेटिंग, सो वी विल लेट यू नो। Mm-hmm. And do you think it is also security lapse? I know it's early to talk about it, but do you think it's a lapse? Yeah. We'll discuss it later, because our priority is to normalize the things and get the notice and to get the cues. Is anybody else also critical apart from Jeeva who died? No. Ek choti bachchi hai, she is just 1.5 years old. Uska treatment chal raha hai. Otherwise, jo mother hai, she is there. Jo hamare constables hai, jo injured hue the, wo bhi there hai. बाकी हॉस्पिटल से जो अपडेट आता है हम जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि वाज बेस्ट लॉयर, बट स्टिल वी आर इन्वेस्टिगेटिंग, सो वी विल लेट यू नो द अपडेट। ओके, ठीक है।